जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीए आर्मी की निकली भर्ती के बारे में। तो अगर आप टीए आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मुझसे ज्यादा बेटर आपको टीए आर्मी की भर्ती की जानकारी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद टीए आर्मी से रिटायर्ड हूँ। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यूनिट्स में ये जो वैकेंसीज हैं वो निकली हुई हैं, तो 8 तो हैं दोस्तों इन्फेंट्री बटालियन टीए, और 2 हैं इन्फेंट्री बटालियन टीए एचएनएच। ठीक है, इन बटालियंस में यानी कि टोटल 10 इन्फेंट्री के जो बटालियंस हैं उनमें भर्ती निकली हुई है। एचएनएच का मतलब होता है दोस्तों, होम मैं जानकारी बाद में दूंगा। तो यहां पर दोस्तों जो है वो भर्ती का शेड्यूल दिया गया है। यहां पर दोस्तों यूनिट्स हैं और कमांड है, उसके बाद में कौन से स्टेट की भर्ती किस दिन होनी है वो यहाँ पर दी गई है। तो ये जो भर्ती है दोस्तों माधवपुर पंजाब की है, जो कि 10 नवंबर से 24 नवंबर 2024 के बीच में होनी है। और इसमें दोस्तों स्टेट ऑफ लद्दाख, सॉरी यूटी ऑफ लद्दाख, यूटी ऑफ जेएनके एंड पठानकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब के जो कैंडिडेट्स हैं वो भरे हैं भर्ती देखने के लिए। उसके बाद दोस्तों लुधियाना पंजाब में जो भर्ती है उसमें पंजाब लेस शासनगर के लिए। उसके बाद में जो कालका हरियाणा में भर्ती है उसकी डेट है दोस्तों 28 नवंबर 2024 से 12 दिसंबर 2024 के बीच में, और इसमें हरियाणा एंड शासनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा के कैंडिडेट आ सकते हैं। उसके बाद में है नई दिल्ली की भर्ती, जिसमें दोस्तों एनसीटी दिल्ली हरियाणा। चलिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं वैकेंसीज के बारे में। तो ये है दोस्तों वैकेंसीज की, किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज हैं। तो सोल्जर जीडी में 515 वैकेंसीज हैं और 157 इन्फेंट्री बटालियन टीए में 239 वैकेंसी हैं और 158 इन्फेंट्री बटालियन टीए में 260 वैकेंसीज हैं। क्लर्क के दोस्तों ऑल इन्फेंट्री बटालियन में 17, 157 इन्फेंट्री बटालियन टीए में 5 वैकेंसी और 158 इन्फेंट्री बटालियन टीए में 6 वैकेंसीज हैं। उसके बाद दोस्तों चेफ की जो वैकेंसीज हैं वो ऑल इन्फेंट्री बटालियन में 8 हैं, 157 इन्फेंट्री बटालियन में 17 और 158 इन्फेंट्री बटालियन टीए में है दोस्तों 14। ठीक है, इसी प्रकार की जो भर्ती की डिटेल है वो यहाँ पर पूरी की पूरी दी गई है कि किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं दोस्तों आगे और बात कर लेते हैं डेट वाइज शेड्यूल के बारे में। तो सबसे पहले जो भर्ती होनी है दोस्तों वो माधवपुर पंजाब में होनी है। तो इस भर्ती में आप शामिल होने के लिए आपको लोकेशन कहाँ पर है, 126 इन्फेंट्री बटालियन टीए जैकरिफ। ठीक है, माधोपुर पंजाब में ये यूनिट है, इसमें आपको जाना है। ठीक है, कितने बजे, 2 बजे आपको पहुंच जाना है। अब कौन से डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स कितनी तारीख को पहुंचेंगे उसकी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। तो 10 नवंबर 2024 के लिए दोस्तों जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बच्चे पहुंच जाएंगे पंजाब में इस भर्ती में। 9 नवंबर 2024 के लिए दोस्तों बरी, ब्राह्मणा, विजयपुर और रामगढ़ तहसील ऑफ सांबा डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं वो यहाँ पर भर्ती में शामिल हो सकते हैं। 12 नवंबर 2024 के लिए टेरियात, पौनी एंड रियासी तहसील के बच्चे भर्ती के लिए जा सकते हैं। 13 नवंबर 2024 के लिए कठुआ, 14 नवंबर 2024 के लिए सांबा और 15 नवंबर 2024 के लिए जो है वो मजेटा, उधमपुर के बच्चे भर्ती के लिए जा सकते हैं। 17 नवंबर 2024 के लिए पठानकोट, 19 नवंबर 2024 के लिए जम्मू पुंछ एंड राजौरी, 20 नवंबर 2024 के लिए कठुआ एंड सांबा, 21 नवंबर 2024 के लिए उधमपुर, रियासी, किश्तवाड़ और रामबन सॉरी एंड डोडा डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भर्ती के लिए जा सकते हैं। 23 नवंबर 2024 के लिए दोस्तों पुलवामा, बडगांव और ये जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं लेह, कारगिल, श्रीनगर, ठीक है, कुपवाड़ा, इनके बच्चे भर्ती के लिए लुधियाना पंजाब में जा सकते हैं, सॉरी माधवपुर पंजाब में जा सकते हैं। अब चलते हैं आगे और लुधियाना पंजाब की बात करते हैं। तो लुधियाना पंजाब में दोस्तों जो भर्ती है वो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में। समय आपके लिए सेम है, वही 2 बजे। तो 10 तारीख से लेकर 23 नवंबर तक ये जो भर्ती चलेगी, ऑल इन्फेंट्री बटालियन टीए में ये भर्ती है। और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट के जो कैंड अप्लाई करने को जा सॉरी मतलब भर्ती देखने को जा सकते हैं उनकी लिस्ट है दोस्तों ये। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। ठीक है, कि आपके डिस्ट्रिक्ट की भर्ती जो है वो कितनी तारीख के लिए है। ठीक है, जैसे 10 नवंबर 2024 के लिए अमृतसर, कपूरथला और पटियाला की भर्ती है, इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट की भर्ती कालका हरियाणा की। तो कालका हरियाणा की जो भर्ती है वो 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2024 तक होनी है और इसकी जो लोकेशन है वो है दोस्तों 102 इन्फेंट्री बटालियन टीए पंजाब कालका मिलिट्री स्टेशन हरियाणा में।
ठीक है। तो ये है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट की डिटेल कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के बच्चे किस डेट के लिए भर्ती में शामिल होने को जा सकते हैं। ये रैली भर्ती होगी दोस्तों। और आपको एक चीज और बता दूं कि कोई अग्निवीर का कोटा इसमें नहीं है, डायरेक्ट नॉर्मल भर्ती है जैसे कि पहले होती थी। अग्निवीर की भर्ती यहाँ पर नहीं होने वाली है। उसके बाद में आती है दिल्ली। तो अगर आप दिल्ली में भर्ती हो रही है आपके डिस्ट्रिक्ट जो है वो, तो दिल्ली की जो भर्ती है दोस्तों वो होनी है 105 इन्फेंट्री बटालियन टी राजरिफ में, जो कि दिल्ली कैंट में है। और 28 नवंबर 2024 से 11 दिसंबर 2024 तक इन इन डिस्ट्रिक्ट्स के कैंडिडेट्स जो है वो अपनी डिस्ट्रिक्ट की जो डेट दी गई है सामने, इस डेट को 105 चलते हैं। और एजुकेशन डिटेल्स की और एज लिमिट की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम एज लिमिट की। तो ये एज जो आपकी है वो 18 साल से 42 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी 18 से 42 साल एज है तो आप जा सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सोल्जर जीडी के लिए 10th पास होना जरूरी है, 45% मार्क्स होना चाहिए और 33% मार्क्स से कम किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में नहीं। सोल्जर क्लर्क के लिए दोस्तों आपको किसी भी स्ट्रीम से आर्ट्स साइंस कॉमर्स से 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट की परीक्षा पास होनी चाहिए और 60% मार्क्स आपके जो है वो ओवरऑल होने चाहिए, किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में 50% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। सोल्जर ट्रेड्समैन एक्सेप्ट हाउसकीपर एंड मैसकीपर ट्रेड्स, इसके लिए 10th पास होना जरूरी है हाउसकीपर एंड मैसकीपर। अगर आप हाउसकीपर और मैसकीपर की पोस्ट के लिए भर्ती देखना चाहते हैं, भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको क्लास 8 पास ही जरूरी है। मतलब अगर आप 8वीं क्लास पास भी हैं तब भी आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आगे और हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के। ठीक है, तो फिजिकल है जो दोस्तों वो आपका इस प्रकार है। नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है, चेस्ट आपका 82 सेंटीमीटर और वेट जो है आप वो आपका हाइट और एज के हिसाब से लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल दोस्तों टीए का जो है बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए क्या है, सोल्जर जीडी और ट्रेड्समैन के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अगर उनकी एज 60 मार्क्स दिए जाएंगे, 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक 40 मार्क्स और 5 मिनट 46 सेकंड पे आने वाले बच्चे जो है वो फेल हो जाएंगे। उसके बाद में जिनकी एज 31 से 42 साल है उनको 6 मिनट 15 सेकंड में 60 मार्क्स, 6 मिनट 16 सेकंड में अगर आप रेस पूरी करते हैं तो 40 मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों पुलअप्स की डिटेल दी गई है, आप इसको देख सकते हैं कि अगर आपकी एज 18 से 30 साल है और आप 10 एंड अबव पुशअप मारते हैं तो आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी प्रकार एज 18 से 30 9 पुलअप 33 मार्क्स, 8 पुलअप 27 मार्क्स, 7 पुलअप 21 मार्क्स और 6 पुलअप 16 मार्क्स। मिनिमम पास होने के लिए आपको 6 पुलअप तो है वो लगाने ही होंगे। ओके, उसके बाद में 8 पुलअप मारेंगे आप, अगर आपकी एज 31 से 42 है तो 33 मार्क्स, 7 में 27, 6 में 21 और 5 में आपके लिए 16 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। मतलब 31 से 42 साल अगर आपकी एज है तो आप 5 पुलअप्स भी अगर मारते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे। उसके बाद में आपका 9 फीट डिच होगा और बैलेंस होगा, फिजिकल आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे की जानकारी दूंगा मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बहुत डिटेल में दी गई है, आपको बहुत अच्छे से समझाना होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आपको भर्ती के दिन करना है, पूरी की पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में दे दूंगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।